छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करते है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठे दू ना दाऊ। माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ाई दंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना और मैं आपके बारे में ना बताऊंगा। नहीं कान्हा, मैंने कहा था ना मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, और उचित कार्यों में इसे अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है, आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे। और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी नहीं। उन्होंने तो बस वही किया है ना जो तुमने किया था, तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। शीघ्र आराम कर दियो आपने, बड़े भाई वाला ज्ञान देना। अब ये बताओ इस बंद कक्ष में करेंगे क्या? खिलौने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगा। पति, संतरे की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ काना, नाशपति को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपति? ये कैसी ध्वनि है? ताऊ उठो ना, उठो, कितना सोगे? माओ ने द्वार नहीं खोला क्या? नहीं। कार भी नहीं लगाई? ना। पति बिचड़ कैसी ठंडी आ रही है? हाँ तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कना, अंधेरे से भय लग रहा है? चिंता मत करो, दाऊ है ना तुम्हारे साथ। तो आपको भय ना लग रहा है? आप भी तो छोटे बालक हो। वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है दाऊ, अपने हाथ भी फैला रहा है वो। ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा, भय लग रहे हैं? हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि?
जीजी, हाँ? आपको कछु सुनाई दे रहा है क्या? ध्वनि जे तो हाऊ का स्वर है। हाऊ? हाऊ? हाँ, हाऊ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बसतो है जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। अरे हाऊ, यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से? इसीलिए तुम सबको वन जाने से मना करते हैं। हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाऊ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं, पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया, मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाऊ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना, कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो, फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो, अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गोचर भूमि, और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और कान्हा और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो? अरे पर यशोदा, बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कान्हा को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यह हाऊ है क्या? हाऊ? ये हाऊ क्या होता है कान्हा? बहुत ही भयानक जीव होता है वसंता, सदैव विचित्र सी ध्वनि करता रहता है, और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करता है। कान्हा सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाऊ। होता होगो, पर हाऊ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है। कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई।
मेरे चने के पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? भागो यहाँ से, फिर से इधर दिखाई भी मत देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सूझ जाते हैं काना। अरे हमसे तो करे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती हैं। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत भेजा करो, ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ, जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना, आनंद तो खूब आया होगा, पर फिर भी प्रभु आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वारा आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सतानो है। मैंने तो ये भी सुना है वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना बसंता, उसको विश्वास है कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खा कर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। फूल के भी उस बूढ़ी माई के निकट मत जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत कोई उसे फूटी आंकना स्वातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने दो सुलक्षणा, नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है, चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं, कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु, कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। काना कहाँ जा रहे हो? किसी ने बुलाया था तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ, पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत हो गया खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे है? आना और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना तो देख लो फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने, दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला आराम कर, अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आराम भी नहीं किया काना। चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा।
अरे वाह, तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लियो। चलो आ जाओ, अब छाछ लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना खा गाओ। बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, बोरा कान्हा, कान्हा रोक। हाउ वाला उपाय भी असफल रहो। जी यशोदा, तो हाउ की सुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, मन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु। जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी मैया के काल्पनिक हाउ से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी। क्या तो आगू मैं, पर वन में और भी तनाव जानू चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आप ही जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो। यशोदा, क्या हो गो? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गए है। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा, नारायण 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 नारायण, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दर्शन दे दो नारायण नारायण। कान्हा, 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 क्यों इतनी प्रतीक्षा करा रहे हो प्रभु? आ जाओ प्रभु, दर्शन दे दो प्रभु। दंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चने खा रहा हूँ मैया। तूने अनुमति लेने की भी आवश्यकता ना समझी? आप ही नहीं तो कही थी मैया, आके जितनी इच्छा हो चने खा लो, इसीलिए खा रहे हो। बावला हो गया है क्या?
मैंने कब कही तुझसे? आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दौड़े चले आते हैं चने खाने, एक मैं ही ना आतो। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। श्री नारायण, क्या ये सत्य है? आप सच में यहाँ हैं? और ये मत ही कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। लो, मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ। इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं, जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ। देखो देखो, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री नारायण आ गए, मेरे घर बैठे हैं। देखो मैं बावली ना हूँ, मैं बावली ना हूँ, मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा, कान्हा, देखो वो यही है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ है मेरे प्रभु, मैं बावली ना हूँ। ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है, कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है? बूढ़ी मैया, चने तो समाप्त हो गए। लाइफ प्रभु, अभी लाइफ। चलो उड़ो उड़ो, हटो हटो, मेरे प्रभु का है। रुकिए, और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ। जो भी इन पंछियों को, भटकते पशुओं को, बालकों को, निर्धनों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलता है मैया, क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में। क्षमा करना प्रभु, स्वार्थी हो गई थी मैं। सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है, आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना मेरे लिए। पर बूढ़ी मैया, दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न होता हूँ मैं। समझ गई प्रभु, मैं समझ गई। भूखी है ना तू? तू भी ले ले, ले ले। आ। आओ भैया, यहाँ बैठो। Thank you.
बात बताओ प्रभु, आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मैंने प्रतीक्षा ना करवाई, मेरी मैया को ना जानते आप, मुझसे बहुत प्रेम करती है वो। मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे। आज भी बिना बताए आयो है जे यहाँ, मेरे मना करने के बाद भी। मैया का सर, ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ। देखो बूढ़ी मैया, मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे। तुझे कितना भी समझा लो, कितना भी भयभीत कर लो, तो सुनने वालों ना है, हैं? मेरी प्रभु के साथ ऐसो व्यवहार जे अनुचित है लल्ला, ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था। तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें? मैंने बुलाया था इन्हें। देखो मैया बाबा, इन्होंने ही बुलाया था मुझे। अब आप ही बताओ, यदि मैं यहाँ ना आतो तो इनका मन कितना दुखी हो जातो। बहाने मती बना कान्हा, आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था। अरे लाली, मैं तो इन्हें 40-50 वर्षों से बुला रही हूँ, पर आज आए हैं ये। 40-50 वर्ष? माई, मेरा लल्ला केवल 4 वर्ष का है। तू भी विचित्र है लाली, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, उनकी आयु गिन रही है। आप कहना क्या चाहती हो माई? यशोदा, एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है, या हमारे कान्हा को कोई और समझ रहे। कान्हा, अब चल। चल तो हूँ मैया। प्रभु, अभी अभी तो आए थे, इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो। यदि आप सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना न पड़े, तो आप काशी जाओ माई, वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूंगा। और हाँ, आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी। इसे कहवर वन के नाम से जाना जाएगा। अब चल भी कान्हा, चल। देख लल्ला, कारण चाहे जो भी हो, तुझे वन में ना आना चाहिए था। कार्य तो तूने अनुचित करो है कान्हा, परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद मिलो, इसीलिए तुझे ना डांट रहा मैं। मैया, आप ही नहीं डांटोगी ना? आप पक्का क्रोधित भी नहीं हो ना मुझसे? ना। तो फिर चलो दौड़ लगाओ।
देखते हैं पहले कौन घर पहुंचता है। कान्हा 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 सुन तो। कान्हा आज ना रुकूंगा मैं। कान्हा कान्हा मैंने कही रुक। क्या होगा? हाँ। अकेले वन के भीतर चला गयो तब भय ना लगो। अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रो है। हाँ मैया हाँ। चिंता मत ही कर लल्ला, कोई हाँ ना है, हाँ हो तो ही ना है। तो तू घर आ गया है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि चेता भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती है। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। अब तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप। पारा बनकर उनका संहार किया था। राक्षसों के राजा रसानंद रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप। राम बनकर उसका भी वध किया था। तो आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? तुझे बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया जाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया, अब यशोदा क्या करेगी? जे इसने भगवान जी खेल के सीखो है या जे सब आपने सिखाए हुए? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती हूँ। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती आई। मुझे समझ में आ गया है।
मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे। कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से? ना, वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी। योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। अभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे? विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए कुछ अवश्य भोजन के कारण कुछ। ऐसा क्या खा लिया दुर्जन जो पचा नहीं पा रहे? मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज, मिठाइयां। जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता। जो सबसे अधिक प्रिय हो यदि वही विष बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जन। सही कहा महाराज, आगे से स्मरण। उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पता नहीं महाराज। पता करो तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान जिस देश में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो किसी भी मूल्य पर। जाओ क्या होगा तुम सबको? प्रभु जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है हम सबके लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु। जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु। चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। शीघ्र ही गोपालक बनूंगा मैं। आ आ
क्या हो गया यशोदा? ना वो तो मैं बस। और एक बात बताओ, तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह, और ये क्या बना रही हो? कछुआ है। अरे दिखाओ ना। नंदराज, वो गौशाला में आपकी आवश्यकता है। आ तो इससे पहले कि काना उठ जाए, मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ। पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था, अब कछु ना खा रही है। लगता है बन की घास का स्वाद भूल गए ने। तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा। पर वो भी इतना सरल है नंदराज, गौपालक कम है और गैयाएं अधिक हैं। अभी कली वन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूं ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। गोपालक कम है और गैयाएं अधिक है। अभी कली वन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गोपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी, फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौ पालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसो करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और काना अनुशासन भी सीख पाएगा और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ, तुम बताओ मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने ये भी मना कर लिया बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर ये तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना? आप तो जानते हो आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, तब मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर चे तो और भी अच्छा है ना चिच्ची, एक बार जब पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगो। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है टिकाई सोचती है। और तू सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चलायो? ताकि पढ़ाई ना आरम्भ करनी पड़े, इसीलिए ना। पर मैया मुझे बहाने मत ही बना, चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने की बात किसी को बताने की सोचो भी मती। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा। जानकी, सुन। हाँ? कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाऊं, शीघ्र समझ जाएगा।
जैसे क से केला। समझ गई भाभी, वनमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं और लिखाई पट्टी और खड़ियां भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले आए। अभी लिख रहा हूं। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत ही करना। समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है लल्ला। जा जाके स्नान की तैयारी कर। जा वहीं ठहरो। मिल गई बस ही पंकुड़ी। और ये मिल गई ह से घंटी। अरे फूला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया। बस से बेलन कस्तूरी। अरे अरे क्या कर रही है, मैं आज ही हाथ से लाई हूँ। तो तू दूसरी ले ले, कान्हा की पढ़ाई के वस्तु इकट्ठी करनी है। हाँ कान्हा की पढ़ाई के लिए। हाँ आज जसोदा भाभी कान्हा की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताए हुए, किसी और को मत ही बताना। चल। मैंने केवल आप ही को बताई है भाभी, आप किसी को मत बताना। किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला बता, तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया। लल्ला तुझे क्या और कौन का अंतर पता है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था, लड्डू कहीं का। यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो तुम कौन हो जी? वो अच्छा भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें, भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया ये तो मेरे संबंधी है, जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलते है जितने मामा ना है। यशोदा जी जी,
औषधि है का? देखो ना कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है। रुक रुक। चले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगो? मेरे यहाँ समाप्त हो गो है। ठहर अभी नहीं। चले। यशोदा भाभी, वो तनिक हल्दी मिलेगी? वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ खैर अभी लाई। यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। ये कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना बताओ भाई, सच्ची सच्ची बोलो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आई हूँ यहाँ? मैं बताऊँ मैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। पर तुम्हें किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है। मैं समझ गई जे किसकी करनी। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आई। अब इन्हें साथ लो और जा जा। यशोदा हमें भी तो देखने दो, तुम काना को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी मान जाओ ना। मैया आप तो जानती हो इस सारी गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती है, और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियाँ भी प्रिय हैं इसे, तो कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया, इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ नहीं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ। क्यों ना पढ़ा पाऊंगी? अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, जे तो बड़ो चतुर हो गए हो।
लल्ला, अब इससे पहले कि हम आरंभ करें, हमें बुद्धि दाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेश नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की, जय हो, जय हो। कैसी लीला है प्रभु, भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया उदे तो मुझे विद्या मिली ना है, जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर। पर मैया मुझे ठीक से स्मरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो। अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। हम्म, ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार, इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ ओम आह। तुझे कैसे पता? आप ही नहीं तो सिखाया है मैया। मैंने कब? कल रात से सिखा रही हूँ। रात को सोने से पहले आप यही तो बोल रही थी, सुबह उठते ही फिर से दोहराने लगी, और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं, इसके बाद का ना आता मैया। तो क्या होगा, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गयो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया, टुकताऊ तो गौपालक बन भी जाएंगे। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलाना होता है। मैं बता तू,
जेले, दाल, बस अभी इसमें से चारा निकालो। अब गुड। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। ला, इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पकड़। और फिर इसे चारे में मिलायो जातो है। हो गयो, जा गैयाओं को खिला दे। ये तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे हो छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊ क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है, हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती। एक बार पुनः प्रयास करो। लो अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया इन्हें। काना तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घर से घर, घर से घर। अद्भुत लीला धर की लीला, अद्भुत इनके रंग। स्वयं ब्रह्मा आज सीख रहे हैं। ग 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